गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शिवलाल अकाउंट चैप्टर नंबर 2 ऑन पेज 101। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बनाना है फिक्स एंड फ्लक्चुएशन अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन 1st October 2017 राम एंड कृष्णा स्टार्टेड अ क्लॉथ बिजनेस with capital of 10,000 and 8,000 respectively. As per partnership agreement, partners were entitled to get 10% annual interest. मतलब जो राम और कृष्णा हैं, जिन्होंने 10,000 और 8,000, मतलब जो पहला दिया हुआ वो पहले पार्टनर की, जो दूसरा दिया वो दूसरे पार्टनर की है, 10,000 और 8,000 रुपये, उन लोगों ने ये अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा उनको कैपिटल में, ठीक। कृष्णा जो है, कृष्णा वॉज एंटाइटल टू गेट अ सैलरी ऑफ 300 पर मंथ, मतलब जो कृष्णा है उसको बस मिलेगी, राम को नहीं मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वॉज डिवाइडेड इंटू इक्वली अमंग द पार्टनर्स, जो प्रॉफिट और लॉस बटेगा पार्टनर्स में वो इक्वल बटेगा। ईच पार्टनर वॉज एंटाइटल टू विदड्रॉ 250 पर मंथ एज ड्राइंग विथ इंटरेस्ट, दोनों पार्टनर्स को 250 रुपीस हर महीने निकालने का अधिकार है, उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा। द अकाउंट्स वर क्लोज ऑन 31st March 2018 एंड देयर वॉज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60, मतलब 6,050 रुपये का इनका प्रॉफिट है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। ये जो प्रॉफिट है कि इंटरेस्ट और सैलरी देने के बाद का है। चलिए, और इसमें हमें बनाना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो भी दो मेथड से। पहली कौन सी, फिक्स्ड से, दूसरी फ्लक्चुएटिंग से। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग तो आप जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। फिक्स्ड क्या होता है, जिसमें हम अलग अलग लिखते हैं, मतलब सिर्फ कैपिटल एक जगह लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और करेंट अकाउंट में हम जो बाकी की चीज़ें रहती हैं जैसे इंटरेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें हम उसमें लिखते हैं, ड्राइंग वगैरह। लेकिन फ्लक्चुएटिंग वाले में हम क्या करते हैं कि दोनों चीज़ें एक साथ ही लिख देते हैं। चलिए हम बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देख लीजिए, ये है फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। कुछ नहीं, सिर्फ चार ही ब्लॉक रहते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ लिखना रहता है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट दिख रहा है अच्छे से बच्चों। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस, जो हमें बैलेंस आया था, कितना बैलेंस था, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय करके, बाय बैलेंस बीडी, बीडी का मीन्स होता है ब्रॉड डाउन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। कितना है, 650। अब बैलेंस बीडी के बाद हमें क्या मिला है, सबसे पहले हमने उनको क्या दिया है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया है ना। इंटरेस्ट को हम कैसे लिखते हैं, बाय टू करके, क्योंकि वो हमारे यहाँ से जा रहा है डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। अब हम कैपिटल में दे रहे हैं तो ऑन कैपिटल भी लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला कौन है, सबसे पहले है राम, फिर कौन है, कृष्णा। इसमें हमें ये एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि इसमें अक्टूबर 2017 को हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और मार्च में क्लोज कर रहे हैं, तो हमें इसमें कितने महीने का डेप्रिसिएशन देना होगा, मतलब जो इंटरेस्ट रहेगा, डेप्रिसिएशन नहीं, जो इंटरेस्ट रहे वो कितने महीने का रहेगा, 6 महीने का। तो आपसे इंटरेस्ट ने का वो डेप
इंटरेस्ट निकालते तो बनता ही होगा, ये राम का इंटरेस्ट होगा 10,000 का, 10% 6 महीने के हिसाब से। जब आप इसको पूरा काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 रुपये, और जब आप कृष्णा का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, जो कि अब हम यहाँ पे लिख देंगे कितना है। राम का है 500 और कृष्णा का है 400, टोटल करके हम यहाँ पे लिख देंगे 900 रुपीज़। अब हमें क्या देना है, सैलरी सिर्फ किसको मिल रही है, कृष्णा को मिल रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 सैलरी, और कृष्णा का दिया है तो हम यहाँ के लिख सकते हैं। अगर बहुत से के हैं, मतलब दो नाम के हैं, तो वहाँ पर पूरा नाम भी लिख सकते हैं। कृष्णा को कितनी मिल रही है, 300 रुपये, 300 रुपये मिल रही, वो तो ठीक है। जैसे हमने इंटरेस्ट अब 6 महीने का दिया, ऐसे ही हमें सैलरी जो है वो भी 6 महीने की हिसाब से ही देनी होगी। 300 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800। तो हम हमारी कृष्णा की जो सैलरी वो कितनी है, 1800 रुपीज़, तो हम यहाँ लिख देंगे 1800 रुपीज़। अब बस हमें इस में सिर्फ दो ही चीज़ें लिखनी थी, क्योंकि जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट में बताते हैं। अब अपन इसका टोटल कर लेंगे, ये तो कितना रहेगा, ये तो 650 ही है, और ये इतना है 2700 रुपीज़। तो जब 650 से 2700 रुपीज़ अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट करके, 2 नेट प्रॉफिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपन को इक्वली बांटना भी है, कितना आ जाएगा, 3350 रुपीज़। 6050 रुपये में से हमने कितना माइनस किया, ये जो दो अमाउंट दिए हुए हैं इनको माइनस करेंगे, तो जब इनको इक्वल बांटेंगे तो ये आ जाएगा 1675। ये देख लीजिए आपका कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये देख लीजिए आपको पूरा, यही आंसर है, यही आपकी बुक में भी आंसर दिया हुआ है। ये मैं शिवलाल से पढ़ा रही हूँ। अब हम इसमें बनाएंगे दो तरह के अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, फिक्स्ड से और फ्लक्चुएटिंग से। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं फिक्स्ड से। फिक्स्ड से ये है फिक्स्ड का फॉर्मेट, ये किससे हम बना रहे हैं, फिक्स्ड से, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फिक्स्ड मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर पे लिखना है अपन को पार्टिकुलर, और यहाँ पे राम का नाम, और यहाँ पे कृष्णा। इसमें जो है हम दोनों पार्टनर्स के अलग अलग वो बनाते हैं कॉलम्स। यहाँ पे कौन आ जाएगा, राम, और यहाँ पे कृष्णा। चलिए सबसे पहले हम इसमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब हमें इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह चीज़ें नहीं लिखनी है, ना ही सैलरी लिखनी है, ना ही ड्राइंग लिखनी है। सबसे पहले हम क्या लिख देना है, सिर्फ बैलेंस। तो हम ब्रॉड डाउन कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ क्रेडिट साइड लिख देंगे, यहाँ बाय करके आता है, बाय बैलेंस BD। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस इतना ही। राम की कितनी थी, 10,000 रुपीज़, कृष्णा की कितनी थी, 8,000 रुपीज़। और अब यहाँ बैलेंस BD करके लिखा हो तो यहाँ पे CD करके लिखना होगा, यहाँ पे CD करके लिख दीजिए, 2 बैलेंस, CD मीन्स कैरी डाउन। ये लीजिए आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया, बस इतना ही करना था इसमें। अब हम पर बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये दिया हुआ है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये भी फिक्स्ड ही मेथड से चल रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर, यहाँ पे राम, यहाँ पे कृष्णा, यहाँ पे भी पार्टिकुलर, पार्टिकुलर राम,
और क्या आ जाएगा, कृष्णा। चलिए सबसे पहले अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम यहाँ पे कैपिटल लिख चुके हैं इसीलिए हम यहाँ पे करंट अकाउंट में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना दिया है उन्होंने, जो हम वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकाल चुके हैं। तो अपन को कुछ नहीं, सिर्फ वहीं का लिख देना है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरा लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं रहती, जब हम इतने सारे ब्लॉक्स बनाते हैं तो जगह कम ही रहती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का कितना था, 500, कृष्णा का 400। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो सैलरी थी वो किसको मिल रही थी, कृष्णा बस को। तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी, किसको मिल रही थी, कृष्णा को 1800 रुपये। और एक चीज़ और है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नया नया नहीं है ये ड्राइंग, ये ड्राइंग 250 रुपये की, जो कि हम 6 महीने के हिसाब से निकालेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे टू ड्राइंग कितनी है, 250 रुपये के हिसाब से 6 महीने की आएगी, 1500, 1500, ठीक बस। और हाँ एक चीज़ अपन यहाँ पे भूल गए हैं, वो क्या भूल गए हैं, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना था, 1675 रुपये, इसका भी 1675 रुपये। अब टोटल लगा लीजिए, इसका टोटल है 3875 रुपये, इसका टोटल है 2175 रुपये। अब इस टोटल में से हम ये 1500 और 1500 माइनस कर देंगे, हमें पता था कि यहाँ का अमाउंट ज़्यादा है इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, इधर पे कितना आ जाएगा, 675, इधर पे आ जाएगा 2375। और यहाँ पे लिख देंगे 2175, यहाँ लिख देंगे 3875। ये बन गया हमारा फिक्स्ड से, फिक्स्ड हमें दोनों चीज़ें अलग बनानी पड़ती है लेकिन फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट दोनों को जोड़ के हम बना देंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ये दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है जो चीज़ हमने फिक्स्ड में बनाई है बस एक साथ इसमें लिखना है, मतलब हम पूरा जो चीज़ें करेंट अकाउंट में बनाते हैं वो तो लिखना ही है, लेकिन हम इसके साथ में इसमें इनकी कैपिटल भी लिख देंगे बस, उसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी करके 10,000 रुपीस, 8,000 रुपीस, ये इनकी क्या है, कैपिटल, हम इसमें कैपिटल लिखते हैं। फिर लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कितनी थी, 500, इसकी थी 400 रुपीस, ठीक। सैलरी भी मिल रही है कृष्णा को तो हम सैलरी भी लिखेंगे, सैलरी कितनी, 1800। जो चीज़ें हमने फिक्स्ड में अलग अलग की है इसमें एक साथ करनी है, क्या करनी है, इसमें एक साथ करनी है, जो हमने उसमें अलग किया उसमें एक साथ कर देंगे इसमें, ठीक है। और क्या है, बाय नेट प्रॉफिट जो कि 1675 रुपये, 1675। अब हम इस साइड आते हैं, इस तरफ हमें कुछ नहीं, इस तरफ तो और कम चीज़ें रहती हैं, यहाँ पे रहती है सिर्फ ड्राइंग जो कि 1500 और 1500 रुपये। अब यहाँ का टोटल लगा लीजिए, यहाँ का टोटल कितना है, यहाँ का टोटल आएगा 12,175 रुपये, इधर का 11,875 रुपये। अब इनमें से हमें कितना माइनस करना है, ये 12,175 में से 1500 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी,
10,675 रुपये और इसका आ जाएगा 10,375 रुपये। अब टोटल लगाएंगे, टोटल करके लिख देंगे यहाँ पे कितना 11,875, यहाँ पे 12,175 रुपये। थैंक यू स्टूडेंट्स जो हम आपने हमारी वीडियो को देखा। अगर आपको अच्छी लगती है तो मतलब प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड स्टडी मोर। थैंक यू। और ये हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी।